हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट इस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और फाइनल ईयर में हैं, और उनका जो सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, जिसे हिंदी में मशीन अभिकल्पन कहते हैं, उसका जो फ्रेंड देखिए, इसे आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम हो कहीं ना कहीं दिसंबर लास्ट, नहीं दिसंबर नहीं, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक जो है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जितना आप लोग तैयारी कर ली हैं अच्छी बात है, लेकिन जितने भी फ्रेंड्स हमारे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों को जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें इसी चैनल के थ्रू कवर करवा दी जाएंगी। तो जैसा कि हमारे दो तीन साथी ने कमेंट भी किया था कि सर, हमें इसे हमारी जो क्लासेज हैं वो भी इसे कंटिन्यू कर दीजिए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं फिफ्थ सेमेस्टर से, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाए और आपको जो यहाँ पर मशीन डिज़ाइन है उसकी जो क्लासेज यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आज से आपका जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो रहा है। आज का जो ये लेक्चर है वो लेक्चर नंबर आपका 1 है। दोस्तों, आप लोग कापी ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएंगी। और जितनी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि जितना आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा केवल आप इतना ही पढ़ लीजिए। आप जैसे आप लोग अगर पास करने की सोच रहे हैं तो पास तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आप लोग अच्छे मार्क्स जैसे पास कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों को इसके लिए कुछ नहीं करना है, जब आप लोग वीडियो को कंटिन्यू मतलब वॉच करोगे अंतिम तक और सारी चीज़ें अच्छे से अगर समझोगे, तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आता है कि जो मशीन डिज़ाइन है उसका कॉन्सेप्ट, आप डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन से आशय क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूँ कि डिज़ाइन से जो तात्पर्य है, वो किसी उत्पाद मतलब कोई एक प्रोडक्ट है या फिर कोई प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो, उसके निर्माण के लिए कार्य योजना एवं विनिर्देश तैयार करना। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई प्रोसेस है, उसके लिए उसके निर्माण के लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कार्य योजना एवं विनिर्देश तैयार करना ही क्या कहलाता है, डिज़ाइन होता है। इसके बाद दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डिज़ाइन के अंतर्गत किसी आइडिया को धारण करके उसे मूर्त रूप या फिर कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन रूप में लाया जाता है। इसे देखिए, डिज़ाइन के अंदर के जानते हैं क्या होता है, मन में कोई भावना जगह मतलब कोई आइडिया आया, उसको मैंने क्या क्या धारण किया, और कोई भी प्रोडक्ट है उसको कोई एक जिसे एक पार्टिकुलर मैंने मूर्त दे दिया, मतलब कोई एक उसका रूप दे दिया। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि मशीन डिज़ाइन क्या होता है। मशीन डिज़ाइन जो कि आप सभी लोगों को पढ़ना है, तो मशीन डिज़ाइन का आप लोग सबसे ये समझ लेना है कि मशीन डिज़ाइन होता क्या है। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मशीन डिज़ाइन मतलब बताया गया है कि मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत नई और बेहतर मशीनों का निर्माण किया जाता है। मतलब जो मशीनें होती हैं, नई हों या फिर पुरानी हो, जैसे कुछ मशीनें पुरानी होती हैं तो उनका भी मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत निर्माण किया जाता है, तथा पहले से विद्यमान मशीनों में आवश्यक संशोधन करके उन्हें बेहतर बनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज जितने भी यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप लोग देख रहे हैं, जितनी भी गाड़ी वगैरह चल रही हैं, पहले आप लोग देखे हो कि रथ वगैरह रहती थी, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं चीज़ें ली गई हैं, चीज़ें इसे पुरानी हैं, उन्हीं को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत नई, देखिए, कुछ नई चीज़ें और बेहतर मशीनों का निर्माण किया जाता है, तथा पहले से विद्यमान मशीनों में आवश्यक संशोधन करके उन्हें और बेहतर बनाया जाता है। मतलब जो पहले से मशीनें हमारे पास मौजूद हैं उनमें आवश्यक संशोधन करते हैं और उन्हें और थोड़ा बहुत जैसे क्या कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, मतलब बेहतर बनाया जाता है। अब बेहतर मशीन क्या होती है, ये हम देख लेते हैं। बेहतर मशीन वह होती है जिसकी लागत कम हो तथा दक्षता अधिक हो। मतलब उसकी जो रुपये है वो उसमें कम लगे, और जो उसकी इफ़िशियंसी हो क्या हो, अधिक हो, वो एक बेहतर मशीन होती है। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है कि मशीन डिज़ाइन में, कि किसी भी वस्तु, देखिए मशीन डिज़ाइन में क्या आता है कि किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की डिज़ाइन करने के लिए आधारभूत जिस विषयों, देखिए कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई एक प्रोसेस है, उसकी अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आप लोग अप्लाइड मैकेनिक्स करके सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो लगभग सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी किए हुए हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आता है फिजिक्स, जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़े हुए ही हैं, जो कि अप्लाइड फिजिक्स करके आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही, सेकेंड सेमेस्टर में भी रहता है, और मैथेमेटिक्स जो कि आप लोग यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड टॉम, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन जो इतने सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट है उसका आप अगर आप लोग डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो डिज़ाइन होती है वो कई तरह की होती है। इसे डिज़ाइन सब लोग पूछते हैं कि सर, जैसे डिज़ाइन किसी किसी सेक्टर में किस किस प्रकार से होती है,
तो हम हर एक सेक्टर में थोड़ा बहुत, जैसे बहुत डीपली नहीं, केवल थोड़ा बहुत हम जानकारी यहाँ से लेंगे कि जो डिज़ाइन है वो कई तरह की होती है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे जो सिविल इंजीनियर होते हैं, वो डिज़ाइन के अंतर्गत पुल या भवन, मतलब देखिए सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, उनको पुल बनाना है फिर भवन बनाना है, तो पुल या भवन का डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कोई इसे कोई एक इमारत है तो उसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, या फिर कोई पुल है तो उसका डिज़ाइन वगैरह कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब बात की जाए कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल उपकरण, मशीनों का डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीनों का डिज़ाइन करते हैं, उनको वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। इसी प्रकार जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंतर्गत मैकेनिकल पार्ट्स, मतलब मैकेनिकल एक किसी मशीन के अंगों, मतलब पार्ट, मशीन सिस्टम इत्यादि का डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जो मशीन डिज़ाइन है इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं मशीन के पार्ट्स, मशीन सिस्टम इत्यादि का डिज़ाइन किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है मशीन डिज़ाइन का वो क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन या मशीन डिज़ाइन का वर्गीकरण। हो सकता है दोस्तों आपसे 5 नंबर का ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत सिंपलीफाई भाषा में, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लिया हूँ ताकि जो सिंपल चीज़ें हैं आप लोग बुक से पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पर पढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ना कुछ मिलेगा ना कुछ हमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे अपने आप को एक उत्साह मिलता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मशीन डिज़ाइन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अडेप्टिव डिज़ाइन करके यहाँ पर लिखा गया है, फिर उसके बाद लिखा गया है अडेप्टिव डिज़ाइन करके लिखा गया है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या लिखा गया है अडेप्ट मतलब क्या होता है, परिस्थितियों के अनुकूल बनाना। मतलब देखिए कोई भी वातावरण है तो उसके अनुकूल अगर आप अपने आप को अगर बना लेते हैं तो उसे कहते हैं परिस्थितियों के अनुकूल बनाना। और जो अडेप्टिव है उसका मतलब है अनुकूल अनुसार, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें वही हैं अनुकूल अनुसार बनाना। तो यहाँ पर जो अडेप्टिव डिज़ाइन है वो क्या होता है, अडेप्टिव डिज़ाइन के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट की पहले से विद्यमान डिज़ाइन में मामूली परिवर्तन या संशोधन करके न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को अगर आप लोग अडेप्टिव डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसमें जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई भी एक पर्सन कर सकता है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो पहले से डिज़ाइन विद्यमान है उसमें क्या करते हैं, मामूली परिवर्तन या संशोधन करके नया प्रोडक्ट हम लोग बना देते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अडेप्टिव डिज़ाइन तैयार कर सकता है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जब नॉलेज होगा तभी आप अडेप्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट डिज़ाइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या होता है डेवलपमेंट मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तित डिज़ाइन, इसमें होता है नए पदार्थों एवं आधुनिक उत्पाद। देखिए जो नए पदार्थ आजकल हैं या फिर जो इस समय मॉडर्न में है, मॉडर्न जो प्रोडक्ट हैं उनको विधियों का प्रयोग करके, देखिए जो नए पदार्थ हैं और जो विधि जो आधुनिक विधि आजकल है, बहुत सारी विधियां हैं, उनका प्रयोग करके जो पहले से विद्यमान डिज़ाइन है उसमें संशोधन करके एक विकसित डिज़ाइन तैयार की जाती है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर बताया जा रहा है कि जो पहले से हमारे कुछ जैसे टेक्निक तो हैं ही डिज़ाइन के, और जो आधुनिक आजकल जो नए टेक्निक जो टेक्निक्स हैं उन सभी का प्रयोग करके पहले से कोई विद्यमान डिज़ाइन में अगर संशोधन करके कोई एक नया डिज़ाइन तैयार किया जाता है तो डेवलपमेंट डिज़ाइन होता है। अब बात किया जाए कि जो डेवलपमेंट डिज़ाइन होता है उसकी आवश्यकता कैसी है, तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट डिज़ाइन है तो वैज्ञानिक अध्ययन एवं ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप सभी को मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि पहले से जो टेक्निक्स हैं और जो थोड़ी बहुत अपना आधुनिक जो है टेक्निक उसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं पुरानी डिज़ाइन में संशोधन कर देते हैं, वही हमारा डेवलपमेंट डिज़ाइन हो जाता है। अब जो यहाँ पर थर्ड आता है डिज़ाइन का, कि डिज़ाइन का जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, न्यू डिज़ाइन मतलब नया डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि नए डिज़ाइन के अंतर्गत नए कॉन्सेप्ट पर आधारित बिल्कुल नई डिज़ाइन तैयार की जाती है। जैसे जो नया डिज़ाइन होता है इसके लिए भाई एक पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड इंजीनियर की आवश्यकता होती है, जो कि क्या करता है हर एक चीज़ एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के, जो जैसे कोई डिज़ाइन करेगा वो नए कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा और बिल्कुल नया डिज़ाइन होगा। अब बात की जाए कि नए डिज़ाइन के लिए बहुत अधिक रिसर्च वर्क, टेक्निकल इफ़िशियंसी मतलब
देखिए बहुत अधिक जो यहाँ पर तकनीकी जो यहाँ पर दक्षता है मतलब टेक्निकल इफिशियंसी है, ये हम क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ यहाँ पर जो न्यू डिज़ाइन होता है वो इस प्रकार से तैयार होता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि उपयोग की जाने वाली विधियों के आधार पर डिज़ाइन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, मतलब जो उपयोग जैसे जिस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं उसके आधार पर अगर देखें तो जो डिज़ाइन है उसको हम निम्नलिखित प्रकार से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आता है वो है रेशनल डिज़ाइन। रेशनल क्या है कि तर्कसंगत, मतलब तर्कसंगत जो डिज़ाइन है वो क्या है। तो इस तरह के डिज़ाइन मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अनेक अनेक सिद्धांतों को, उसी पर ये जो रेशनल जो है तर्कसंगत जो डिज़ाइन होता है वो उसी पर आधारित होता है। ये जो रेशनल डिज़ाइन होता है ये मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित गणितीय सूत्रों पर निर्भर करता है, मतलब जो वहाँ पर सारे फार्मूले वगैरह यूज किए जाते हैं मैथमेटिकल के उसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, एम्पेरियल डिज़ाइन। एम्पेरियल डिज़ाइन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो अनुभवों पर आधारित मतलब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पर जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं एम्पेरिकल एम्पेरियल डिज़ाइन। एम्पेरियल डिज़ाइन मतलब अनुभवों पर आधारित। इस प्रकार का डिज़ाइन अनुभव या प्रयोग के आधार पर होता है, मतलब जितना हम लोग प्रयोग किए रहते हैं उसी के आधार पर डिज़ाइन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, वो होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मतलब औद्योगिक डिज़ाइन कहीं ना कहीं। ये क्या होता है कि इस तरह की डिज़ाइन किसी इंडस्ट्री में उत्पादन पक्ष मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ध्यान में रखकर की जाती है, मतलब जो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किसी इंडस्ट्री में उसको ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन की जाती है। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, ऑप्टिमम डिज़ाइन। ऑप्टिमम डिज़ाइन क्या होता है कि किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम डिज़ाइन को ऑप्टिमम डिज़ाइन कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम कोई एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसके लिए जो सबसे उत्तम डिज़ाइन होता है उसे हम ऑप्टिमम डिज़ाइन कहते हैं। अवांछित प्रभावों को कम करके हम सर्वोत्तम डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो अवांछित प्रभाव होते हैं उसको हम कम करके एक बहुत अच्छा मतलब सर्वोत्तम डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्तों टाइप का डिज़ाइन का, वो क्या आता है, सिस्टम डिज़ाइन, मतलब कहीं ना कहीं निकाय अभिकल्पन। वो क्या है, इसके अंतर्गत किसी जटिल मैकेनिकल सिस्टम जैसे कार ट्रक इत्यादि की डिज़ाइन की जाती है। जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, मोटर व्हीकल, कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सिस्टम डिज़ाइन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जैसे कोई मान लो इसे कठिन से कठिन जो मैकेनिकल डिज़ाइन होता है वो हम लोग सिस्टम डिज़ाइन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, एलिमेंट डिज़ाइन। एलिमेंट डिज़ाइन क्या होता है, आप लोग नाम से ही जैसे समझ गए होंगे, एलिमेंट मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं औजार हुआ। तो इसमें बताया गया कि इसके अंतर्गत मशीन अंगों मतलब मशीन पार्ट्स, जैसे जो मशीन का किसी इंजन का पिस्टन हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग राड हो गया, जो कि आप लोग सिंपली जानते ही ऑटोमोबाइल में आप लोग पढ़े होंगे, इत्यादि की डिज़ाइन की जाती है, तो क्या होता है, एलिमेंट डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्या आता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं, इसका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट था आप लोगों का। इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन प्रोसेस में जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो वो जो डिज़ाइन होता है उसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहा था, जो कि आप लोग सिंपली दो दो लाइन का है, और अगर आप लोग यही सारी चीज़ें पढ़ें तो आप लोग का 5 नंबर कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो जनरल कंसिडरेशन इन मैकेनिकल डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन संबंधित सामान्य विचार, तो दोस्तों आज के लिए अब हम इतना ही यहीं पर अब हम जैसे स्टॉप करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारी चीज़ें अच्छे से आप सभी लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग हल्के में मत लीजिए, जो मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट है ये बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, इतना आपको हल्के में भी मत लेना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे अपडेट के साथ। आप लोग का जो सेकंड लेक्चर आ रहा है वो इसी का आएगा मशीन डिज़ाइन का, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।